नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में मदरसन सोमी के बारे में, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। आज इसमें 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, 2.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और लगभग लगभग मार्केट इसका जो है मतलब शेयर अभी जो है साइड वाइज हिटेट कर रहा है कई दिनों से। देखिए, इसमें अगर हम लोग देखेंगे आज का ट्रेड इन्फॉर्मेशन तो 77 लाख, यहाँ पे 77 लाख इक्विटी शेयर आज टोटल ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू जो है 142 करोड़ रुपए आ रही है। और आज इसका डिलीवरी परसेंटेज बहुत शानदार है दोस्तों, 68% के आसपास का इसका डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। एफएनओ का डाटा तो चलिए नहीं देखेंगे, यहाँ पे एफएनओ का देखने के लिए नहीं जाएंगे, यहाँ पे एफएनओ का डाटा इसका हम लोग देख लेंगे। एफएनओ में आज इसमें यहाँ पे देखिए, एफएनओ डाटा सजेस्ट शॉर्ट बिल्डअप टुडे, तो एफएनओ का डाटा कह रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में निगेटिव ट्रेड बन रहे हैं, मंदी वाले जो है सौदे ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। और वहीं पे बात करेंगे, आज 16 नंबर ऑफ लार्ज डील भी ट्रेड होती हुई दिखी है इसमें। लार्ज डील को अगर ओपन करके देखेंगे तो कुछ हैं, देखिए ये था 19 अगस्त और उसके बाद यहाँ से 20 अगस्त शुरू हो रहा, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ सुबह में था, उसके बाद 10:07 के आसपास 1 6 करोड़ और 1 3 करोड़ और उसके बाद 10:13 पे 1 4 करोड़, फिर 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़, इस तरह से कई सारी लार्ज डील हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखिए, कोई पर्सनल न्यूज़ तो इस स्टॉक से रिलेटेड नहीं आई है, सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज होगी तो वो अब देखेंगे, ठीक है ना। ऑटो एंसिलरी कंपनी है तो देखना होगा ऑटो सेक्टर कैसे काम कर रहा है, या फिर यहाँ पे देख भी लेते हैं ऑटो सेक्टर कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे ऑटो तो ठीक है, ग्रीन ट्रेड कर रहा है, 0.25 मतलब 1/4% तेजी के साथ जो है ये ट्रेड कर रहा है ऑटो सेक्टर। लेकिन फिर भी चलिए, अब कोई हो सकता है किसी कारणवश, अब हर शेयर हर दिन जो है तेजी मंदी नहीं ना करेगा, तो कभी ना कभी तेजी कभी ना कभी मंदी तो रहेगा ही रहेगा। तो आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर इसका हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे एमसी टेक्निकल प्रो, तो टेक्निकल एनालिसिस का जो है बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है, मूविंग एवरेज इसमें जो है बेरिश बता रहा है, वहीं टेक्निकल इंडिकेटर भी बेरिश बता रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बेरिश यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। 1 वीक में इसने 2.5% का निगेटिव रिटर्न, 1 महीने में 4.5%, 3 महीने में 40% और इस साल जनवरी से अब तक 80% और पूरे 1 साल 52 वीक में इसने जो है हम लोगों को 95% का रिटर्न दिया है। चार्ट पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट पे पता नहीं वहाँ पे सारा का सारा इनका इंडिकेटर कैसे जो है गिरावट दिखा रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऊपर जाके एक साइडवेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम वाइज और थोड़ा थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन कर रहा है, लेकिन यहीं से इसमें मोमेंटम भी आने की संभावना, अगर ब्रेक डाउन देता है 75 रुपये या फिर कह लें 72 रुपये का लेवल, तो फिर इसमें जो है 157 मतलब वहीं 54 रुपये का लेवल है, तो अब उसको राउंड फिगर में करेंगे तो 150 कर लेंगे, तो 150 रुपये तक गिरावट की संभावना बनी रहेगी, मतलब करेंट प्राइस से भी 30 रुपये की गिरावट आ जाएगी। और परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो वहीं मतलब 15% का मान लीजिए, 15% और अभी तक और गिरावट इसमें हो सकती है, ऐसी संभावना है, लेकिन वो केवल संभावना है, होगा नहीं होगा ये कोई जरूरी नहीं है। बाकी ऊपर की साइड में एक टारगेट है 220 रुपये का, और ये रेजिस्टेंस ही है, परफेक्ट टारगेट 240 रुपये का है, इसी टारगेट के लिए हम लोगों को होल्ड करना है और खरीदारी करना है। प्रतिदिन मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, अब प्रतिदिन कोई न्यूज़ तो प्रतिदिन आएगी नहीं, लेकिन डेली अपडेट मैं प्रतिदिन देता हूँ, इसका चार चार वाली वीडियो जब बनाता हूँ शाम को, तो आज तो अकेले में ही थोड़ा सा सोचा कि इसको दे दूँ अपडेट, तो ठीक है देख लीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं करना है, होल्ड करके रखना है, जिनको भी खरीदना होगा 190-192 रुपये का लेवल ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तब खरीदेगा, नहीं तो अगर ऑप्शन फ्यूचर वाले हो ही आप लोग तो बिंदास कहीं पे भी खरीदो, स्टॉप लॉस 172 के नीचे का रहना चाहिए मेरे हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बिंदास खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिए।